कहानी की शुरुआत 18 साल की लड़की जियांग से होती है और यही हमारी कहानी की हीरोइन है। जियांग का यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे होता है। जियांग ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लिया है। उसका ड्रीम है क्वाओ को डेट करना। क्वाओ जियांग का स्कूल क्रश है, लेकिन दुख की बात यह है कि जियांग ने यूनिवर्सिटी की लिस्ट चेक की है, शायद क्वाओ ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। जियांग अपसेट हो जाती है कि वो दोबारे उसे नहीं देख पाएगी। तभी जियांग को सुनाई देता है कुछ लड़कियां बात कर रही हैं कि बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होने वाला है, जल्दी चलो, बैठने के लिए भी सीट नहीं मिलेगी। मैंने सुना है जो नया लड़का यूनिवर्सिटी में आया है वो बहुत हैंडसम है। तभी एक लड़की जियांग को बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चलने को कहती है। जियांग बास्केटबॉल मैच देखने जाती है और वहाँ मैच देखकर स्कूल के दिनों में खो जाती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जियांग स्कूल में है, क्वाओ बास्केटबॉल मैच खेल रहा है। जियांग क्वाओ को मैच खेलता हुआ देखकर खुश हो रही होती है। क्वाओ स्कूल में पॉपुलर होता है क्योंकि वह हैंडसम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है, हमेशा टॉप करता है। जियांग क्वाओ को बास्केटबॉल मैच खेलता हुआ देखकर इमेजिन करती है, काश बास्केटबॉल उसके सर पर लग जाए और क्वाओ उससे पूछे तुम्हें लगी तो नहीं, और फिर उसे फर्स्ट एड के लिए अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाए। जियांग का यह ड्रीम टूटता है क्योंकि बास्केटबॉल उसकी जगह दूसरी लड़की को लग जाती है और क्वाओ उसे आकर पूछता है तुम ठीक हो, लगी तो नहीं। जियांग सोचती है कितनी अनलक्की हूँ मैं, मेरी किस्मत ही खराब है। इसके बाद जियांग स्कूल में क्वाओ के पास जाती है उसकी बीचेक आईडी लेने। जियांग क्वाओ को आवाज देने वाली होती है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो फ्लोर पर गिर जाती है। जियांग एम्बेरेस हो जाती है और सोचती है अभी इस समय मुझे क्वाओ से बात नहीं करनी चाहिए। जियांग अपने आप को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए फटाफट से उठकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद जियांग क्लासरूम में होती है। जियांग सोचती है मुझे मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए क्वाओ के साथ सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, पर जियांग का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो यह उसके लिए काफी मुश्किल टास्क होता है। जियांग अपने दिमाग की बैटरी चार्ज करने के लिए क्वाओ का फोटो देखती है ताकि अपने गोल यानी क्वाओ पर ध्यान दे सके। सभी बच्चे खेल रहे होते हैं लेकिन जियांग मन लगाकर पढ़ाई कर रही होती है क्योंकि उसे अपना ड्रीम पूरा करना है। जियांग की ये मेहनत सफल हो जाती है, वह ग्रेजुएट हो जाती है। ग्रेजुएट होने के बाद जियांग कॉन्फिडेंट होकर स्कूल में उससे मिलने जाती है, लेकिन टीचर उसे बताती है क्वाओ यहाँ से पहले ही जा चुका है और जियांग क्वाओ को मिल नहीं पाती। इसके बाद जियांग फ्लैशबैक से बाहर आती है। जियांग यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल मैच देख रही होती है। जियांग के साथ खड़ी लड़की क्वाओ को देखकर बोलती है यह कितना हैंडसम है, पता नहीं इसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। जियांग उस लड़की को बोलती है मुझे तो उसका फेस भी सही से दिखाई नहीं दे रहा। तभी बास्केटबॉल जियांग के सर पर लग जाती है। क्वाओ उसके पास आता है, दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, बोलते हैं तुम यहाँ। जियांग क्वाओ से पूछती है क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ। क्वाओ जियांग से पूछता है तुम भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। जियांग क्वाओ को बोलती है क्या कॉइंसिडेंस है, हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तभी जियांग के पीछे खड़ी लड़की बोलती है जियांग क्वाओ को जानती है, इन दोनों का आपस में क्या चल रहा है। क्वाओ उन लड़कियों की बात सुन लेता है और जियांग को बोलता है क्या तुम्हारा ऐसे ही रहने का इरादा है। क्वाओ जियांग को अपना हाथ देता है उठाने के लिए। जियांग क्वाओ की बाहों में गिर जाती है। क्वाओ जियांग को बोलता है अभी भी तुम आसानी से गिर जाती हो, और जियांग को बोलता है चोट लगी हो तो मेरे पीछे आ जाओ। क्वाओ ये कहकर चला जाता है। पीछे से जियांग क्वाओ को चिल्लाकर थैंक यू बोलती है। क्वाओ जियांग को बोलता है क्या हो गया। जियांग बोलती है कुछ नहीं और खुद को थैंक यू बोलती है अच्छे से स्टडी करने के लिए, नहीं तो मैं क्वाओ से मिल नहीं पाती। के बाद जियांग लाइब्रेरी में होती है और सोचती है मुझे क्वाओ से उसकी वीचैट आईडी पूछनी चाहिए ताकि मैं उसके साथ स्टडी कर सकूं। जियांग लाइब्रेरी से बुक ले रही होती है। अभी वहीं जियांग को क्वाओ दिखता है। उसे देखकर जियांग के हाथ से बुक गिर जाती है और उसके पैर पर लग जाती है। जियांग खुद को चिल्लाने से रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लेती है। क्वाओ जियांग के पास आता है और उससे पूछता है क्या आज रात तुम फ्री हो, डिनर मेरे साथ करोगी। जियांग गर्दन हिलाकर बोलती है हाँ।
क्वाओ सियांग को रेस्टोरों का एड्रेस देता है, 7 बजे मिलने को बोलता है। सियांग सोचती है शायद ये डेट है, उसके पास चांस है क्वाओ की वीचैट आईडी मांगने का। जियांग तैयार होकर रेस्टोरों में पहुंचती है और क्वाओ का इंतजार करती है, लेकिन क्वाओ अपने दोस्तों को भी वहां ले आता है, जो देखकर जियांग का दिल टूट जाता है। क्वाओ अपने फ्रेंड से जियांग को इंट्रोड्यूस कराता है। क्वाओ का एक फ्रेंड जियांग को पहचान लेता है, तुम वही होना जो हाई स्कूल में सेकेंड ईयर में आर्ट फेस्टिवल में बच्चों का गाना गिटार के साथ गा रही थी, उस दिन बहुत मजा आया, सभी बहुत हंसे। जियांग सोचती है इसे ऐसी चीजें भी अभी तक याद है। इसके बाद सभी डिनर करते हैं, लेकिन जियांग नहीं खाती। खाने का मन करता है पर वह नहीं खाती, क्योंकि जियांग को लगता है अगर वह खाना खाएगी तो क्वाओ उसके बारे में सोचेगा कि वह एलिगेंट लड़की नहीं है। इसलिए जियांग खाने को देखकर अपने आप को कंट्रोल करती है। क्वाओ जियांग से पूछता है तुम क्यों नहीं खा रही। जियांग बोलती है मुझे भूख नहीं है। इसके बाद क्वाओ वॉशरूम चला जाता है। उसके जाते ही जियांग क्वाओ के फ्रेंड को बोलती है मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, और चिकन का एक पीस लेकर बाहर भाग जाती है। जियांग बाहर जाकर चिकन खाती है। पीछे से क्वाओ आकर उसे देख लेता है और उसे बोलता है ये क्या कर रही हो। जियांग बोलती है फोन कॉल आ रही थी। क्वाओ जियांग के हाथ में चिकन देखकर बोलता है तुम्हारा फोन काफी अच्छा है। जियांग यह देखकर कॉल करने की एक्टिंग करने लग जाती है और फिर कॉल कट करने की भी। इसके बाद जियांग क्वाओ से उसकी वीचैट आईडी पूछने ही वाली होती है। इससे पहले वो क्वाओ को अपनी बात कह पाए जियांग को हिचकी आने लग जाती है। जियांग क्वाओ से वीचैट आईडी का नहीं पूछ पाती। इसके बाद जियांग और क्वाओ एक स्टोर से स्नैक खरीदते हैं। स्नैक खरीदने के बाद क्वाओ जियांग को उसके हॉस्टल छोड़ने जाता है। जियांग को रास्ते में बैट के शॉप में एक बिल्ली बहुत पसंद आती है। इसके बाद दोनों हॉस्टल के पास पहुँचते हैं। क्वाओ जियांग को स्नैक का बैग देता है। जियांग क्वाओ से पूछती है क्या ये तुमने अपने लिए नहीं खरीदा। क्वाओ बोलता है मेरा पेट भरा हुआ है पर तुमने कुछ नहीं खाया। ले लेती है। क्वाओ वहाँ से चला जाता है। जियांग को याद आता है वह फिर से जियांग से वीचैट आईडी लेना भूल गई। नेक्स्ट डे जियांग क्वाओ का वीचैट आईडी लेने के चक्कर में अपनी क्लास छोड़कर उसकी क्लास में बैठ जाती है। टीचर जियांग से कंप्यूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जियांग को आंसर पता नहीं होता क्योंकि ये सब्जेक्ट उसने कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी जियांग आंसर देने की कोशिश करती है। हम ये कह सकते हैं कि सोचती है। अभी टीचर जियांग को ध्यान से देखता है और पहचान लेता है कि जियांग इस क्लास के स्टूडेंट नहीं है। टीचर जियांग से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपनी क्लास में क्यों नहीं गई। मैं सुपरवाइजर को बताऊंगा और तुम्हारे मार्क्स भी कटेंगे। जियांग टीचर से माफी मांगती है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। टीचर जियांग को बोलता है अगर बचना चाहती हो जो मैंने कंप्यूटिंग का क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दो। तभी टीचर के क्वेश्चन का आंसर क्वाओ दे देता है। जियांग क्वाओ को देखकर फिर से इमेजिन करती है कि क्वाओ जियांग के पास आता है और उसे टीचर के सामने बोलता है डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। और क्लास में सभी तालियां बजाते हैं। इमेजिनेशन से बाहर जियांग को टीचर ताली मारकर जगा रहा होता है। जियांग खड़े खड़े ड्रीम देख रही होती है। टीचर की तालियों की आवाज से जियांग जागती है। टीचर जियांग को बोलता है ऐसे खड़े खड़े सोओगी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। सभी क्लास में जियांग पर हंसते हैं। जियांग शर्मिंदा होकर अपना फेस छुपा लेती है। टीचर क्लास खत्म कर देता है। क्वाओ जियांग के पास आता है। जियांग क्वाओ को देखकर बोलती है बड़े टाइम के बाद दिखे हो तुम। क्वाओ जियांग से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियांग बात को घुमाने के लिए बोलती है मैं कंप्यूटिंग पढ़ने आई हूँ, यह मेरा बचपन से सपना था। क्वाओ जियांग से पूछता है तो फिर तुम्हें कंप्यूटिंग के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता। इसके बाद जियांग बड़ी हिम्मत करके क्वाओ से उसका वीचैट आईडी मांगती है। मुझे तुमसे कंप्यूटिंग के बारे में कुछ पूछना है। जियांग को क्वाओ के रिएक्शन से लगता है शायद वो नहीं देना चाहता। बोलती है कोई नहीं रहने दो अगर तुम नहीं देना चाहते हो। क्वाओ जियांग से उसका फोन मांगता है वीचैट आईडी देने के लिए। जियांग फटाफट से उसे अपना फोन दे देती है। क्वाओ जियांग को अपनी वीचैट आईडी देता है और उसे कहता है फालतू मैसेज मत करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग अपने हॉस्टल में होती है। उसने क्वाओ को वीचैट पर रिक्वेस्ट भेजी होती है पर अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं की। जियांग के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, कहीं वो भूल तो नहीं गया या कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है उसकी। साथ ही साथ ये भी सोचती है कि क्वाओ ने बोला था कि वो बिजी रहता है,
उसके पास फोन चेक करने का भी समय नहीं होता। तभी जियांग को फोन में नोटिफिकेशन आता है। पाओ ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और उसने उसे मैसेज भी भेजा है। जियांग बहुत नर्वस और एक्साइटेड होती है और उसे ब्लड ढूंढने के बाद इमोजिस भेजती है। इसके बाद जियांग वीचैट पर गुआओ के पेज चेक करती है उसके बारे में जानने के लिए, जिससे जियांग को पता चलता है कि गुआओ को बास्केटबॉल, कॉफी और एस्ट्रोनॉमी पसंद है। नेक्स्ट जियांग जियाओ को इम्प्रेस करने के लिए बास्केटबॉल खेलने के लिए जाती है, पर समझ जाती है उससे नहीं होगा। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी को भी समझने की कोशिश करती है, पर उससे भी बात नहीं बनती। अभी जियांग को वीचैट आईडी के पेज से पता चलता है कि गुआओ स्टूडेंट ऑफिस ऑफिसर में है। जियांग फटाफट से एस्ट्रोनॉमी की बुक लेकर और कैफे से कॉफी लेकर दोनों चीजों को लेकर उस जगह पहुंचती है और बाहर गुआओ का इंतजार करती है। गुआओ बाहर आता है और जियांग को वहां देखकर उससे पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? जियांग बोलती है, मैं तो बस घूम रही थी इधर उधर। और गुआओ से पूछती है, क्या तुम कॉफी लोगे? एक्स्ट्रा है। गुआओ जियांग से पूछता है, तुम इतनी दूर इधर उधर घूम रही थी? जियांग बोलती है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। गुआओ जियांग को बोलता है, रात को कॉफी पीने से इंसोमिनिया हो जाता है। जियांग बोलती है, ठीक है मैं चलती हूँ फिर। गुआओ जियांग से बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, दोनों साथ जाते हैं। रास्ते में जियांग गुआओ से पूछती है, क्या तुम्हें एस्ट्रोनॉमी पसंद है? गुआओ जियांग से पूछता है, क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? जियांग बोलती है, नहीं मुझे पसंद है, देखो मेरे पास बुक्स भी हैं। गुआओ जियांग से पूछती है, तुम सच में पसंद करती हो ना, तो चलो मेरे साथ। और गुआओ जियांग को उसे फॉलो करने को कहता है। गुआओ जियांग को एक जगह लेकर जाता है। जियांग सोचती है, रात है और हम दोनों अकेले भी, शायद गुआओ उसे किस करेगा। फिर जियांग सोचती है, शायद ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। गुआओ जियांग को अपने पास बुलाता है और जियांग को चुप कराता है। वैसे तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? गुआओ जियांग को बताता है, तुमने कहा था तुम्हें एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, यहाँ से स्टार एकदम क्लियर दिखते हैं। लेकिन जियांग अपने ही ख्यालों में डूबी होती है। गुआओ जियांग के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे स्टार्स दिखाता है, लेकिन जियांग की नजरें केवल गुआओ पर होती हैं। गुआओ टेरेस पर जियांग को स्टार्स दिखा रहा होता है। तभी गुआओ का दोस्त यू वहां आ जाता है और उन दोनों को साथ देखकर बोलता है, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? गुआओ और जियांग एकदम से घबरा जाते हैं और जियांग के हाथ से बुक फ्लोर पर गिर जाती है। गुआओ यू से पूछता है, पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू गुआओ को बताता है, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम मुझे स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में नहीं दिखे तो मुझे लगा शायद तुम यहाँ होगी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आ गया। इसके बाद गुआओ का फ्रेंड यू जियांग को देखकर बोलता है, तुम वही हो ना? बेचारी जियांग घबरा जाती है फिर से यू को लास्ट टाइम की तरह कुछ याद ना आ जाए। तभी गुआओ यू को बीच में ही टोकते हुए पूछता है, बताओ मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? यू गुआओ को बताता है, मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे पता करना था कि तुमने शेयरिंग सेशन के लिए फोटोग्राफर का अरेंजमेंट कर लिया है। गुआओ को याद आता है, वो तो उसने अभी तक नहीं किया। तभी उसका ध्यान जियांग पर जाता है क्योंकि जियांग जर्नलिज्म की स्टूडेंट है तो फोटोग्राफी भी उन्हें सिखाई जाती है। गुआओ जियांग से पूछता है, तुम जर्नलिज्म की स्टूडेंट हो, तुम कर सकती हो ना? जियांग सोचती है, अभी कैसे कर सकती हूँ, अभी तक तो मेरी इस सेमेस्टर की फोटोग्राफी क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई है, बेसिकली उसे आता नहीं है। गुआओ जियांग को बताता है कि कुछ दिन बाद हमारा एकेडमिक एक्सचेंज और शेयरिंग सेशन है, क्या तुम प्लीज हमारे लिए उसे रिकॉर्ड कर दोगी? जियांग को आता नहीं है, फिर भी वह गुआओ को इम्प्रेस करने के लिए हाँ बोल देती है, क्यों नहीं जरूर करूंगी। यू जियांग को थैंक यू बोलता है। जियांग सोचती है, वाह क्या एक्सीलेंट काम किया है मैंने, मैं तो गई काम से। इसके बाद जियांग अपने कॉलेज में वीडियो बनाने के लिए कैमरा बोरो करने का एप्लीकेशन देती है, पर रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि बिना फोटोग्राफी क्लासेस लिए कॉलेज किसी को भी वीडियो कैमरा नहीं देगा। बेसिकली जियांग को कॉलेज से वीडियो कैमरा नहीं मिलता, इसलिए जियांग अपने सारे पैसे खर्च करके नया वीडियो कैमरा खरीद लेती है क्योंकि वह गुआओ को कैसे भी इम्प्रेस करना चाहती है। इसके बाद जियांग अपने हॉस्टल में होती है, उसे गुआओ का मैसेज आता है कि इवेंट खत्म होने के बाद मेरा इंतजार करना। जियांग गुआओ को मैसेज करती है ओके, और साथ ही सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं कि गुआओ मुझसे इम्प्रेस हो जाए, शायद मुझे किसी से पूछना चाहिए जो इन मामलों में एक्सपीरियंस हो।
तभी जियांग की रूममेट की एंट्री होती है। इसका नाम लियू है, जो पढ़ाई में अच्छी होने के साथ बॉयज को अट्रैक्ट करने में भी एक्सपर्ट है। इवन उसे थिएटर भी अच्छे से आता है। लियू रूम में आती है। जियांग लियू से पूछती है, क्या तुम प्लीज मेरी मदद करोगी? मुझे बताओ कि लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें कि वो मेरे प्यार में पड़ जाए। तो जियांग से पूछती है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? जियांग शर्मा जाती है और बोलती है, हाँ, उसे अपना बनाना चाहती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुआओ का इवेंट चल रहा है। जियांग वीडियोस और फोटो शूट करती है। इवेंट सक्सेसफुली खत्म होता है और स्टेज पर होता है और आंख मारता है। जियांग को लगता है उसके लिए है, पर गुआओ ने जियांग के पीछे बैठे उसके फ्रेंड यू को आंख मारी होती है। जियांग पीछे मुड़कर देखती है और समझ जाती है कि उसके लिए नहीं है। इसके बाद जियांग गुआओ को वीडियो रील देती है और सोचती है गुआओ खुश होकर उसे सभी लड़कियों के सामने गोद में उठाएगा और उसे किस करेगा, पर ऐसा होता नहीं है। गुआओ जियांग को थैंक यू बोलता है और इसके बाद गुआओ जियांग और अपने फ्रेंड्स को लेकर डिनर पर जाता है। जियांग गुआओ और उसके फ्रेंड्स इवेंट के सक्सेसफुली खत्म होने के लिए सेलिब्रेट करते हैं ड्रिंक करके। जियांग जान पूछकर ज्यादा ड्रिंक करती है, अगर मैं होश में नहीं होंगी तो गुआओ मुझे घर छोड़कर आएगा। जियांग को ड्रिंक करना पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी वह गुआओ के लिए लगातार पी रही होती है और सोचती है कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है, लगता है और पीनी पड़ेगी। यू जियांग को पिला रहा होता है। गुआओ जियांग को ज्यादा ड्रिंक करने से रोकता है। जियांग गुआओ से अपना ग्लास खींचती है, मुझे अभी और पीनी है, लेकिन जियांग गुआओ से हार जाती है या हम कह सकते हैं उसकी आंखें देखकर डर जाती है और ग्लास छोड़ देती है। यू जियांग को बोलता है उसे ड्रिंक करने दो, जब वह कह रही है कि वह हैंडल कर लेगी। गुआओ बोलता है चलो कॉम्पिटिशन करते हैं, कौन चारों में पहले बोतल खत्म करेगा। गुआओ के दोस्त पीना स्टार्ट कर देते हैं। पीछे से गुआओ जियांग को वहां से लेकर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है उसका दोस्त ऐसे बातों से नहीं मानेगा और जियांग को ज्यादा ड्रिंक करा देगा। दोनों इस मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। गुआओ जियांग को बोलता है, आज तक मैंने इतना ड्रिंक करके होश में रहने वाली लड़की नहीं देखी। इसके बाद गुआओ जियांग को हॉस्टल छोड़ने जाता है। जियांग रास्ते में गुआओ की परछाई से अपना हाथ मिला रही होती है। गुआओ पीछे मुड़कर देखता है और जियांग से पूछता है, क्या कर रही हो? गुआओ उदास होकर बोलती है, कुछ नहीं। जियांग और गुआओ हॉस्टल के पास पहुंचते हैं। जियांग चेक करती है, हॉस्टल का गेट बंद हो गया है। जियांग खुश होती है और खुशी के साथ गुआओ को बताती है, आंटी ने हॉस्टल का गेट बंद कर दिया है। गुआओ को जियांग की ऐसी हरकतों को देखकर हंसी आती है और उससे पूछता है, गेट क्लोज होने पर इतना खुश क्यों हो रही हो? जियांग बोलती है, मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। जियांग गुआओ के फेस पर स्माइल देखकर उसे बोलती है, तुम्हारी स्माइल इतनी अच्छी है तो तुम हमेशा सीरियस क्यों रहते हो? गुआओ जियांग को बोलता है, तुम्हें कब से इसकी फिक्र हो रही है? जियांग गुआओ को बोलती है, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम लड़कों को समझ नहीं पाती, खासकर जो स्टडी में अच्छे और काफी पॉपुलर होते हैं। गुआओ जियांग से प्यार से उसका गाल खींचता है और उसे बोलता है, ज्यादा सोचना बंद करो। तभी हॉस्टल की आंटी हॉस्टल का गेट ओपन कर देती है और जियांग के सपनों पर पानी फिर जाता है। गुआओ चला जाता है। जियांग अपने रूम में आ जाती है। जियांग की रूममेट लियू भी रूम में होती है। जियांग वी शेट पर चेक करती है कि लियू जियांग की फोटोज को लाइक कर रही है और कमेंट भी कर रही है, कहीं ये मेरे प्यार की दुश्मन तो नहीं है? गुआओ लियू को डेट तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग लियू के साथ मॉर्निंग जॉगिंग करती है और जियांग को उस पर बहुत गुस्सा भी आता है, मेरे और गुआओ के बीच की दीवार। इसके बाद जियांग को हॉस्टल में कुछ लड़कियों से पता चलता है कि कॉलेज उनकी क्लास और कंप्यूटिंग क्लास का एक साथ प्रोमो ऑर्गेनाइज कर रहा है। वह लड़की बोलती है, शायद मुझे एक हैंडसम पार्टनर मिल जाए। जियांग ये सुनकर सोचती है कि मैं गुआओ को अपना पार्टनर बनाऊंगी और हम दोनों डांस करेंगे। जियांग गुआओ को मैसेज करके पूछने ही वाली होती है, तभी लियू को गुआओ का कॉल आता है, वह उसे मिलने के लिए बुलाता है, जो सुनकर जियांग के कान खड़े हो जाते हैं और दिमाग खराब। जियांग उन दोनों को पीछा करने का डिसाइड करती है और उन दोनों को पूरा टाइम फॉलो करती है। इसके बाद गुआओ और लियू कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जियांग उनके पीछे बैठकर फोन का फ्रंट कैमरा खोलकर उन पर नजर रखती है। साथ ही जियांग को गुस्सा भी आता है कि गुआओ इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि मैं लियू से कम प्रिटी हूँ। तभी जियांग को सुनाई देता है, गुआओ लियू से पूछता है, तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है? ये सुनकर तो जियांग की जेलिसी का पारा हाई चला जाता है। तभी लियू जियांग के पास आ जाता है। जियांग उनके पीछे बैठकर फोन का फ्रंट कैमरा खोलकर
उन पर नजर रखती है। तभी लियू जियांग के पास आ जाता है और वह जियांग को फोन के कैमरे से उन पर नजर रखते हुए देख लेता है। लियू जियांग से पूछता है, तुम मेरी गोडेस गर्ल को ऐसा पीछा क्यों कर रही हो? जियांग यू से पूछती है, क्या तुम लियू को पसंद करते हो? यू जियांग को बताता है, एक दिन मैं मॉर्निंग में सामान लेकर जा रहा था, मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं गिर गया और मेरे सामने लियू खड़ी थी, उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। जियांग यू को बताती है, हम दोनों का प्यार खतरे में है, यानी हम दोनों सेम सिचुएशन में है। यू भी जियांग के साथ मिलकर उन्हें फॉलो करने का डिसाइड करता है। लियू और गुआओ लाइब्रेरी में होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। जियांग और यू उन्हें फॉलो करते हुए वहां आ जाते हैं। जियांग उन दोनों को देखकर सोचती है, ये दोनों इतने पास क्यों बैठे हैं? जू बोलता है, रुको मैं फोटो क्लिक करके देखता हूँ ये क्या पढ़ रहे हैं। यू फोटो क्लिक करता है। गुआओ और लियू फोटो क्लिक करने की आवाज सुन लेते हैं। बेवकूफ जियांग ने फोन को साइलेंट नहीं किया होता है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। लियू यू को देखकर बोलती है, यह तुम हो, रुको बताती हूँ तुम्हें। यू फटाफट से भाग जाता है। जियांग वहीं अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन गुआओ उसे पकड़ लेता है। मैं उसके साथ बैठकर यहाँ पर स्पीच की तैयारी कर रहा था। गुआओ जियांग को खींच कर ले जाता है। इसके बाद गुआओ जियांग को एक पेट स्टोर में लेकर जाता है। गुआओ ने वे किटन ले लिया है तो जियांग को शॉप में पसंद आया था। गुआओ जियांग को यह पेट दिखाने के लिए लाया होता है। जियांग को पसंद आता है। तभी जियांग को उसे शॉप के बाहर उसे उसकी क्लास में दिखती है। जियांग गुआओ को मुड़कर देखने से मना कर देती है। गुआओ जियांग से पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें मेरे साथ होने से शर्मिंदा महसूस होता है? जियांग बताती है, ऐसा नहीं है, तुम कॉलेज में इतना पॉपुलर हो और मैं एक सिंपल गर्ल, लोग हमें साथ देखेंगे तो गोसिप करेंगे। गुआओ को ये सुनकर गुस्सा आता है और बोलता है, ठीक है अब से मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, और बाहर चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुआओ जियांग को नाराज होने के बाद भी उसे हॉस्टल छोड़ने जाता है और रास्ते में जियांग गुआओ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन गुआओ पर कुछ असर नहीं होता। दोनों हॉस्टल के पास पहुंचते हैं। गुआओ जियांग को बोलता है, और भी कुछ कहना चाहती हो तुम तो अभी बता दो। जियांग गुआओ से पूछती है, क्या तुम कॉलेज प्रोमो में मेरे साथ डांस पार्टनर बनोगे? पहले तो गुआओ जियांग को मना कर देता है, मेरा डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोचूंगा। लेकिन फिर जियांग का उदास फेस देखकर उसे हाँ बोल देता है। सुनकर जियांग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जियांग अपने हॉस्टल में होती है और अपने टेडी बियर के साथ प्रोम डांस की प्रैक्टिस करती है। यह इमेजिन करते हुए कि वह गुआओ है, जियांग इमेजिन करती है उसने गुआओ को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है और गुआओ उसे बोलता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर दोनों कपल डांस करते हैं, लेकिन इमेजिनेशन से बाहर जियांग टेडी बियर के साथ डांस कर रही होती है और उसे किस करती है गुआओ समझ कर। जियांग बहुत ही खुश होती है और एक्साइटेड भी प्रोमो इवेंट के लिए, इसलिए कैलेंडर में डेट मार्क कर लेती है। इसके बाद जियांग प्रोमो इवेंट में सुंदर दिखने के लिए और गुआओ को इम्प्रेस करने के लिए वेट लूज करने का सोचती है, इसलिए एक्सरसाइज और डाइट करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद जियांग कॉलेज में गुआओ से पूछती है, क्या तुमने आज के प्रोमो इवेंट के लिए कोई तैयारी की है? गुआओ बोलता है, कौन सी तैयारी करनी थी? और जियांग को वार्निंग देता है, टाइम पर पहुंच जाना, नहीं तो मैं किसी और को अपना पार्टनर बना लूंगा। जियांग प्रोमो इवेंट के लिए तैयार होती है, लाइब्रेरी जाती है बुक रिटर्न्स करने। लाइब्रेरियन जियांग को बताता है, एक बुक मिसिंग है, तो तुम्हारा रिकॉर्ड क्लियर नहीं हो पाएगा। जियांग एक बुक भूल जाती है और उसे याद भी नहीं होता वह बुक उसने कहाँ रखी है। लाइब्रेरियन जियांग को बोलता है, आज 6 बजे तक कैसे भी सबमिट करो, उसके बाद मैं कॉलेज में रिकॉर्ड सबमिट कर दूंगा। जियांग फटाफट से अपने रूम में जाकर हर जगह बुक देखती है पर उसे नहीं मिलती और परेशान भी हो जाती है। प्रोमो इवेंट स्टार्ट होने वाला है, टाइम निकला जा रहा है। जियांग दोबारा लाइब्रेरियन के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करती है, मुझे याद नहीं मैंने बुक कहाँ रख दी थी, रूम में भी मिली नहीं, मैं आपको नई बुक खरीद कर उसकी जगह आपको दे दूंगी। आप कॉलेज में रिपोर्ट सबमिट मत करना, नहीं तो मेरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। लाइब्रेरियन बोलता है, पेनल्टी तो वैसे भी आपको देनी ही होगी और रिपोर्ट भी मैं सबमिट करूंगा, आप एक बार लाइब्रेरी में देख लो, हो सकता है इधर उधर रख दी हो। जियांग लाइब्रेरी में भी ढूंढती है पर उसे नहीं मिलती और बार बार फोन में टाइम भी देखती है। जियांग को समझ नहीं आता क्या करूं। अभी उसे याद आता है उसने बुक टेरिस पर रख दी थी, जहाँ जियांग और गुआओ दोनों स्टार्स देख रहे थे।
सियांग भागते हुए टेरेस पर पहुंचती है। सोचते हुए कि लेट हुई तो गुआव किसी और को अपना पार्टनर बना लेगा, सियांग को टेरेस पर बुक मिल जाती है और बिल्डिंग का गार्ड टेरेस का दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कोई नहीं है। वहाँ सियांग जोर जोर से चिल्लाती है, कोई नहीं सुनता। सियांग गुआव को कॉल करती है पर वह पिक भी नहीं कर पाता क्योंकि वह प्रोमो इवेंट को लियू के साथ होस्ट कर रहा होता है। सियांग बार बार गुआव को कॉल ट्राई करती है लेकिन गुआव पिक नहीं कर पाता, तो सियांग उसे एक मैसेज डाल देती है। थोड़ी देर बाद गुआव अपना फोन चेक करता है, सियांग ने उसे बहुत से कॉल की है और मैसेज पढ़कर फटाफट से टेरिस पर पहुंचता है। सियांग टेरिस पर उदास होकर बैठी होती है और सोचती है, मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैं गुआव के साथ एक डांस भी नहीं कर पाई। गुआव सियांग के पास आता है। सियांग गुआव को वहाँ देख कर खुश और अपसेट दोनों होती है। खुश इसलिए क्योंकि गुआव उसे लेने आ गया और दुखी इसलिए क्योंकि उसने प्रोमो इवेंट मिस कर दिया। सियांग गुआव को बताती है बुक्स लाइब्रेरी में वापस करने के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है और मैंने प्रोमो भी मिस कर दिया। गुआव सियांग की डांस करने की ख्वाहिश पूरी करता है और ने गाना चलाकर टेरिस पर ही सियांग के साथ डांस करके। सियांग गुआव को डांस करते हुए बोलती है, शुक्रिया यहाँ आने के लिए, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी और मुझे बहुत खुशी है जब मैंने तुम्हें देखा तुम भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। बताती है कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बैठकर लंच करना और पढ़ना। और सियांग को बोलता है, मुझे भी पसंद है तुम्हारा साथ। सियांग गुआव से पूछती है, सच में? गुआव सियांग को बताता है, हाँ पर कभी कभी तुम डम लड़की की तरह बिहेव करती हो, स्पेशली जब तुम ड्रिंक कर लेती हो, पर तुम जानती हो दूसरों को खुश कैसे रखना है। और सियांग को बताता है, मुझे खुशी है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। सियांग सोचती है, क्या बस फ्रेंड? डांस को वहीं रोक देती है, क्या गुआव मुझे बस अपना फ्रेंड मानता है? ये सुनकर सियांग के फेस की स्माइल गायब हो जाती है। नेक्स्ट डे सियांग अपनी क्लास में होती है और काफी अपसेट होती है। गुआव भी उसी क्लास में आ जाता है और सियांग के साथ जाकर बैठ जाता है। सियांग गुआव को वहाँ देख कर शॉक हो जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? सियांग गुआव को देख कर खुश हो जाती और तिरछी नजरों से उसे देख कर शर्मा रही होती है। फिर टीचर क्लास में आता है और सभी स्टूडेंट को एक ग्रुप प्रोजेक्ट देता है, एनवायरमेंटल पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर सबमिट करने को कहता है। सुनकर सियांग सोचती है, क्या मैं गुआव से पूछूं मेरे साथ फिल्म ब्लॉग बनाने के लिए? इससे पहले सियांग गुआव से पूछे, गुआव सियांग से पूछ लेता है। नेक्स्ट डे सियांग फिल्म ब्लॉग बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर निकलती है क्योंकि उसे गुआव को इम्प्रेस भी करना है। सियांग के दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं, गुआव ने कहा था हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर सोचती है, सभी रिलेशन दोस्ती से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए सियांग गुआव के साथ जाकर एनवायरमेंटल फिल्म ब्लॉग के लिए फोटोग्राफी करती है। सियांग गुआव को इम्प्रेस करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें भी करती है। गुआव को सियांग की इन हरकतों पर हंसी आती है। इतनी मेहनत करने के बाद सियांग और गुआव थक कर बैठ जाते हैं और स्नैक्स खाते हैं। गुआव सियांग का स्नैक्स से भरा हुआ बैग देखकर बोलता है, लोगों को लगेगा तुम एक वेंडर हो, सामान बेचने निकली हो। सियांग गुआव को बोलती है, मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है इसलिए मैं सब ले आई। इसके बाद गुआव और सियांग बिस्किट खा रहे होते हैं। गुआव को ऐसे बिस्किट खाते हुए देखकर सियांग के दिमाग में ऐसे वैसे ख्याल आते हैं, शायद गुआव उसे ऐसे ही बिस्किट खिलाने वाला है, और अपना मुंह उसकी तरफ बढ़ाती है। गुआव सियांग को बोलता है, क्या हुआ, जिराफ की तरह फेस क्यों बना रही हो? सियांग बोलती है, कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों वहाँ बारिश से बचने के लिए एक छत के नीचे खड़े हो जाते हैं। गुआव सियांग को अपनी जैकेट दे देता है और सियांग का भीगा हुआ फेस अपने रुमाल से साफ करता है। सियांग रोमांटिक मौसम देखकर एक गाने की धुन गुनगुनाती है। गुआव सियांग से पूछता है, ये कौन सा गाना है जिसकी धुन तुम गुनगुना रही हो? सियांग गुआव को सॉन्ग का नाम बताती है, द सीक्रेट दैट कैन नॉट बी टोल्ड। सियांग बारिश को देखते हुए बोलती है, इस सॉन्ग की एक लाइन है, इस सिचुएशन पर एकदम फिट होती है। गुआव सियांग से पूछता है, वह कौन सी लाइन है? सियांग अपने ख्यालों में गुम होती है, उसे गुआव का क्वेश्चन सुनाई नहीं देता और सोचती है, बारिश के दिन सुंदर नहीं होते बल्कि उस बारिश से बचने के लिए जो शेल्टर हम ढूंढते हैं वो सुंदर होता है। गुआव की नजरें सियांग पर होती है और सियांग बारिश को फील कर रही होती है। सियांग प्रे करती है बस ऐसे ही बारिश होती रहे और दोनों एक साथ ही रहे, लेकिन उसकी फरियाद बेकार हो जाती है। तभी बारिश रुक जाती है। गुआव सियांग से अपना जैकेट वापस ले लेता है और जल्दी से कॉलेज चलने को कहता है। सियांग को गुस्सा आता है और गोट से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया, गलत टाइम पर बारिश क्यों रोक दी?
इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग अपने हॉस्टल रूम में होती है। गुआओ जियांग को मैसेज करके बोलता है ड्यू एडिटिंग ध्यान से करना। जियांग मैसेज का रिप्लाई देती है डोंट वरी मैं प्रोफेशनल हूँ। लेकिन तभी जियांग को याद आता है एडिटिंग तो उसे आती नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है यानी अगले साल लगेगा सीखने के लिए। जियांग भागी हुई अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है जिसे वीडियो एडिटिंग अच्छे से आती है। जियांग उससे अपनी वीडियो एडिट करने को बोलती है। फ्रेंड बोलती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है और वह कंडीशन यह होती है कि उसकी फ्रेंड को एक म्यूजिक वीडियो बनाना है जिसमें वह मेन लीड में जियांग और गुआओ को रखना चाहती है। के बाद हमें दिखाया जाता है जियांग गुआओ को वीडियो बनाने के लिए मना लेती है। दोनों वीडियो शूट करती हैं। ये रोमांटिक वीडियो होता है। इस वीडियो शूटिंग के दौरान जियांग को गुआओ के करीब जाना अजीब लगता है लेकिन गुआओ उसे कंफर्टेबल फील कराता है। दोनों शूट को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद जियांग और गुआओ स्टेज पर पियानो बजाते हुए वीडियो शूटिंग कर रहे होते हैं लेकिन तभी जियांग के प्यार की दीवार लियो वहां आ जाती है। जियांग की तारीफ करती है तुमने अच्छा किया मैं भी ट्राई करती हूँ। लियो जियांग को गुआओ के पास से उठने को कहती है लेकिन जियांग सोचती है कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठूंगी यह मेरे और गुआओ के प्यार के दुश्मन है। और फिर सोचती है यहाँ बहुत सारे लोग हैं अगर मैं नहीं उठी तो सब गलत समझेंगे। जियांग लियो को मना करना चाहती है पर बोलती है ठीक है हट जाती हूँ। सारे जियांग को मजबूरन हटना पड़ता है। गुआओ भी लियो के साथ शूट नहीं करना चाहता और बहाना बनाता है कि शूटिंग करने वाले बिजी हैं। लेकिन तभी जियांग की फ्रेंड बोलती है नहीं हम बिजी नहीं हैं। इवन हम भी देखना चाहते हैं तुम दोनों साथ कैसे परफॉर्म करते हो। जियांग स्टेज से नीचे आकर गुआओ के फ्रेंड यू के पास जाकर बैठ जाती है। तो जियांग को लियो और गुआओ को साथ देखकर जेलस होने की बजाय बोलता है कितने अच्छे लग रहे हैं। लियो को ऐसा देखकर मेरे सपनों की ड्रीम गर्ल जियांग गुस्से में यू का गला पकड़ती है और उसे बोलती है तुम यहाँ खुद को और मुझे हर्ट करने आए हो क्या। तो जियांग के शोल्डर पकड़कर उसे बोलता है क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो कि शायद लियो मुझे एक चांस दे देगी। तभी गुआओ स्टेज से यू और जियांग को ऐसे देख लेता है और वही पियानो बजाना बंद कर देता है। जियांग के फ्रेंड को गुआओ और लियो का साथ में परफॉर्मेंस पसंद आता है तो वह लियो को जियांग की जगह लेने को कहती है। जियांग ये सुनकर तुरंत स्टेज पर आती है फ्रेंड को अपने पास बुलाकर बोलती है मैं और गुआओ ऑलमोस्ट शूट खत्म कर चुके हैं तो सडनली तुम चेंज कैसे कर सकती हो। फ्रेंड जियांग को बोलती है वो तुम्हारे से अच्छा परफॉर्म कर रही है अगर तुम वीडियो एडिट कराना चाहती हो तो चुप रहो। तो जियांग को मजबूरन चुप होना पड़ता है। फ्रेंड गुआओ को वीडियो के प्रीवियस सीन जो जियांग के साथ शूट किए थे दोबारा लियो के साथ करने को कहती है और जियांग की फ्रेंड से पूछता है क्या जियांग अब वीडियो का पार्ट नहीं रहेगी। फ्रेंड बोलती है ऐसा नहीं है वो बियॉन्ड द सीन लाइटिंग में हमारी हेल्प करेगी। जियांग को मजबूरन करना भी पड़ता है लेकिन गुआओ करने से मना कर देता है मुझे कुछ काम है और उठकर जाने लगता है। तभी फ्रेंड आकर गुआओ को रोकती है अचानक से मुझे तुम्हारे जैसा एक्टर कहाँ से मिलेगा। गुआओ उसको बोलता है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है जो करना है इसी में करूँगा। बेसिकली गुआओ जान पूछ कर ऐसा करता है ताकि जियांग के साथ सिर्फ बचा हुआ शूट ही खत्म किया जा सके। फ्रेंड को मजबूरन जियांग के साथ गुआओ का वीडियो शूट करना पड़ता है। क्यूट और डम जियांग ये सुनकर खुश हो जाती है। लियो गुस्से में वहां से चली जाती है और पीछे पीछे यू भी। गुआओ और जियांग बचा हुआ शूट रिकॉर्ड करते हैं जियांग के साथ कैंटीन में होता है। यू जियांग को मस्का लगाने के लिए कुछ गिफ्ट देता है और जियांग को अपनी और लियो की डेट अरेंज करने के लिए बोलता है। जियांग मना कर देती है नो वे। यू जियांग को बोलता है तुम दोनों रूममेट हो ना तुम लियो को बोलना मैंने पिकनिक अरेंज की है तुम दोनों के साथ तो वो पक्का आ जाएगी अगर मैं उससे पूछूंगा तो वो मना कर देगी। जियांग यू को बताती है अगर मैंने भी लियो से पूछा तो भी वो मना कर देगी। बेसिकली जियांग साफ साफ मना कर देती है वो यू और लियो की डेट अरेंज नहीं कराएगी। यू जियांग को मनाने के लिए उसके इमोशंस के साथ खेलते हुए बोलता है क्या होगा उस सामान का जो मैंने और गुआओ ने इस पिकनिक के लिए प्रिपेयर किया है। ये सुनकर जियांग के कान खड़े हो जाते हैं और यू से पूछती है क्या गुआओ भी आएगा। यू बोलता है बिल्कुल जब मैंने तुम्हें कॉल किया था उसने सब सुन लिया था कि मैं पिकनिक अरेंज कर रहा हूँ वो भी हमारे साथ आना चाहता है। ये सुनकर जियांग सोचती है अगर मैंने यू की हेल्प नहीं की यानी इस पिकनिक पर नहीं गई
तो ग्वाओ और लियू साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। जियांग का तो सोचकर ही दिमाग खराब हो जाता है। जियांग अपने दिमाग की लाइट को ऑन करती है और यू को बोलती है, डोंट वरी, मैं करूंगी तुम्हारे लिए। इसके बाद लियू, ग्वाओ, जियांग और यू पिकनिक बना रहे होते हैं। यू लियू को इम्प्रेस करने के लिए उसकी हर छोटी बात का ध्यान रखता है। इसके बाद यू सभी को बोलता है, पिकनिक को एंजॉय करने के लिए हम पतंग उड़ाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को देखकर लगता है जैसे किसी को भी यू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियांग सोचती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, खासकर जब मेरे प्यार की दुश्मन यहाँ है। अभी यू को डिलीवरी मैन का कॉल आता है, उसने फ्राइड चिकन मंगाए होते हैं। डिलीवरी मैन उसे लेने आने को कहता है। यू जानकर ग्वाओ और जियांग को भेज देता है ताकि पीछे से यू को लियू को इम्प्रेस करने का मौका मिले। यू लियू की केयर करता है पर लियू पर कोई असर नहीं होता। ग्वाओ और जियांग फ्राइड चिकन लेकर यू के पास पहुंचते हैं। यू लियू से खाने को कहता है। लियू बोलती है, मुझे पसंद नहीं। जब लियू को पसंद नहीं आता तो यू जियांग को दे देता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कल भी खिलाया था ना। ग्वाओ ये सुनकर शॉक हो जाता है और तुरंत पूछता है, क्या कल तुम दोनों ने साथ खाना खाया था। यू बोलता है, ये एक सीक्रेट है। ग्वाओ को समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है। जियांग यू को बोलती है, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, कौन सा सीक्रेट है। ग्वाओ उन दोनों को देखता ही रहता है। जियांग इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए बोलती है, चलो पतंग उड़ाते हैं। अब पतंग एक होती है, चारों तो उड़ा नहीं सकते। लियू यू और जियांग को पहले एक साथ पतंग उड़ाने को कहती है। ग्वाओ तो पूरा जल भून ही जाता है, पहले ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से ये। यू कहता है, ठीक है। जियांग मना करने की कोशिश करती है पर यू जियांग को खींच कर ले जाता है। जियांग यू से पूछती है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ। यू बोलता है, अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो लियू जेलस हो जाएगी और मेरे पास आ जाएगी, पर वहाँ कोई और ही जेलस हो रहा होता है। दूसरी तरफ लियू ग्वाओ के पास जाकर बैठ जाती है। जियांग उन्हें देख लेती है और यू को बोलती है, अगर हम दोनों उन दोनों को ऐसे अकेला छोड़ देंगे तो पता नहीं वे क्या क्या कर लेंगे। जियांग को लियू से खतरा होता है इसलिए यू को वापस लेकर जाती है। तभी वहाँ जियांग की फ्रेंड आती है जिसने जियांग और ग्वाओ का वीडियो शूट किया था। फ्रेंड उन्हें बताती है, तुम दोनों का जो वीडियो शूट हुआ था वो आउट हो गया है, तुम दोनों वीडियो में रियल कपल लग रहे हो। और उनसे पूछती है, क्या दोनों सच में कपल हो। ग्वाओ गुस्से में बोलता है, नहीं, हम एक्टिंग कर रहे थे। वे यू को फिंगर में कुछ चुभ जाता है। जियांग फटाफट से उसे बैंडेज देती है। जियांग को बोलता है, क्या तुम डोरेमोन हो, तुम्हारे पास हमेशा सब कुछ होता है। और जियांग को जानकर उसे बैंडेज लगाने को कहता है ताकि लियू को जेलस कर सके। जियांग यू को बैंडेज लगाती है, देखकर ग्वाओ लियू को बोलता है, चलो पतंग उड़ाते हैं। दोनों चले जाते हैं। जियांग यू को देखकर सोचती है, ये मुझसे क्या कराना चाहता है, और यू को साथ चलकर उन दोनों पर नजर रखने को कहती है। यू और जियांग दोनों उनको पौधों के पीछे से देखते हैं और बोलते हैं, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे और सब कुछ खा जाएंगे ताकि उन दोनों के लिए कुछ बच न सके। दोनों मिलकर सारा खाना खा जाते हैं और लेस का पैकेट खत्म कर ही रहे होते हैं। ग्वाओ और लियो पतंग उड़ाकर वहां आ जाते हैं। ग्वाओ वहां आकर बोलता है, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, सारा सामान पैक करो। जियांग ग्वाओ को गुस्से भरी नजरों से देखती है और लेस खाते हुए सोचती है, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे दोनों ने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया है। यू बोलता है, नहीं, अभी नहीं जाएंगे, चलो एक गेम खेलते हैं एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए। सभी खेलने के लिए हाँ बोल देते हैं। इस गेम में हर पर्सन एक सवाल करता है जिसमें अगर वो काम उसने किया होता है तो उसे अपनी फिंगर बैंड करनी होती है। ग्वाओ की टर्न आती है। ग्वाओ बोलता है, जिस पर्सन को मैं लाइक करता हूँ वो यहाँ प्रेजेंट है, अगर तुम्हारा फ्लावर भी यहाँ प्रेजेंट है तो फिंगर बैंड करो। ग्वाओ, लियू और यू फिंगर बैंड नहीं करते। इसके बाद जियांग अपने रूम में होती है और सोचती है, ग्वाओ किसे पसंद करता है, मुझे या लियू को। जियांग डिसाइड करती है, पता करके रहूंगी कि ग्वाओ किसे पसंद करता है। नेक्स्ट डे जियांग अच्छे से तैयार होकर कॉलेज जाती है और ग्वाओ के पास जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वाओ जियांग को बुक पढ़ने की एक्टिंग करके इग्नोर करता है। जियांग फिर भी ग्वाओ से पूछती है, तुमने नोटिस किया आज मैं रोज से अलग लग रही हूँ। ग्वाओ बोलता है, चुप रहूंगी। जियांग सोचती है, क्या ग्वाओ मुझसे नफरत करता है। तभी पीछे से यू जियांग को अपने डेस्क पर बुलाता है
जियांग चली जाती है। कुआ उन दोनों को देख लेता है। जियांग यू से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू बताता है, मैं इसलिए आया हूँ, मुझे पता करना है कुआ किसे पसंद करता है, कहीं लियू को तो नहीं करता। जियांग बोलती है, कुआ तुम्हारा दोस्त है, डायरेक्टली पूछ लो, बता देगा। यू बोलता है, वो नहीं बताएगा, अगर वो सच में लियू को पसंद करता होगा तो मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा, एक चांस भी नहीं मिलेगा। तभी यू को आइडिया आता है, जियांग को बताता है कि तुम गुआओ से पूछो क्या वो तुम्हारे साथ लंच और स्टडी करेगा, अगर वो तुम्हारी केयर करेगा तो तुम्हें हाँ बोलेगा, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करता है, और फटाफट से जियांग को गुआओ के पास भेजता है। जियांग गुआओ के पास जाकर फिर से बैठ जाती है और उससे पहले लंच के बारे में पूछती है, गुआओ मना कर देता है। फिर स्टडी करने के लिए बोलती है गुआओ, वो भी मना कर देता है। जियांग गुआओ से पूछती है क्यों, गुआओ जियांग को बोलता है, अपना मेकअप देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम पढ़ने के लिए आई हो। लेकिन जिद्दी जियांग पीछे पीछे गुआओ के लाइब्रेरी चली जाती है। गुआओ और जियांग लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे होते हैं। जियांग फिर से गुआओ से लंच के बारे में पूछती है, गुआओ पहले की तरह मना कर देता है। तभी लियू जान पूछ कर एक क्वेश्चन लेकर गुआओ के पास आती है और गुआओ को सोल्व करने को बोलती है, और बोलती है चलो लंच साथ करते हैं, वही तुम मुझे बता देना। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आता है, अभी थोड़ी देर पहले उसने पूछा था तो गुआओ ने मना कर दिया और वहाँ से उठकर चली जाती है। वही यू भी उन सबको देख रहा होता है। जियांग यू को बोलती है, गुआओ मुझे पसंद नहीं करता, मुझे क्लियर हो गया है। जियांग बाहर आ जाती है, तेज बारिश हो रही होती है। जियांग का दिल टूट जाता है और सोचती है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, हर वक्त गुआओ के सपने देखती रहती हूँ, वो मुझे लाइक नहीं करता। तभी गुआओ अम्ब्रेला लेकर जियांग के पास आता है, उसे अपनी जैकेट देता है और हग करता है। जियांग गुआओ को पीछे हटाती है और बोलती है, मैं नहीं चाहती जिसे तुम पसंद करते हो उसे हमें लेकर कोई गलत फहमी हो जाए। गुआओ जियांग से पूछता है, क्या तुम जानती हो मैं किसे पसंद करता हूँ? जियांग बोलती है, मुझे पता है तुम लियू को पसंद करते हो। गुआओ बोलता है, तुम ज्यादा नहीं सोच लेती, जबकि मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम लियू को पसंद करती हो, और उसे बोलता है चलो साथ लंच और स्टडी करते हैं। गुआओ जियांग को सीधा सीधा जवाब नहीं देता, यानी कि अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करता, पर जियांग को लगता है कि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद जियांग अपने हॉस्टल रूम में होती है और सोचती है गुआओ की बातों का क्या मतलब है। इसके बाद यू गुआओ के पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम जियांग को पसंद करते हो? यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी में लियू गुआओ को बता देती है कि वो उसे पसंद करती है, और उसे पता है गुआओ जियांग को पसंद करता है, और लियू को यह भी पता है कि जियांग कभी भी अपनी फीलिंग गुआओ को कन्फेस करने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगी, इसलिए वह गुआओ को समझाती है और उसे जियांग के पास अम्ब्रेला लेकर भेजती है, एटलीस्ट किसी को तो उसका प्यार मिले। इसके बाद जियांग और गुआओ लाइब्रेरी में होते हैं। जियांग का ध्यान स्टडी में नहीं होता, चारों तरफ इधर उधर देख रही होती है कहीं लियू ना आ जाए। गुआओ का ध्यान जियांग पर जाता है और उसे स्टडी पर फोकस करने को कहता है। थोड़ी देर बाद गुआओ को प्यास लगती है, बोतल में पानी खत्म हो जाता है, गुआओ लाने ही जा रहा होता है। जियांग बोलती है, तुम मत जाओ, तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए भर कर लाती हूँ। गुआओ सोचता है, इसे अचानक से क्या हो गया है, इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है ये। जियांग डरते हुए पानी भरने जाती है और सोचती है, कॉलेज में रहना काफी रिस्की है, लियू कभी भी यहाँ आ सकती है। और तभी लियू लाइब्रेरी में बुक रिटर्न करने आ जाती है, जियांग उसे देख लेती है। जियांग फटाफट से गुआओ के पास जाती है और उसे पाक चलने को बोलती है। गुआओ जियांग की ऐसी हरकतों को देखकर पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जियांग बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने सुना है कंट्री पार्क में कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हो रही है, चलो देखने चलते हैं। सारा सामान उठाकर गुआओ को अपने साथ ले जाती है। दोनों पार्क पहुंचते हैं, जियांग सोचती है अब हम सेफ हैं। गुआओ जियांग से पूछता है, हमने पूरा पार्क देख लिया है और मुझे कोई एक्टिविटीज नहीं दिख रही जिनके बारे में तुम बात कर रही थी। जियांग बोलती है, वो तो बस मैंने सुनी थी ना, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। गुआओ जियांग से पूछता है, अच्छा तो एक्टिविटी का नाम क्या था? जियांग सोचती है क्या बताऊं? तभी गुआओ को एक कॉल आ जाता है और जियांग जवाब देने से बच जाती है। गुआओ कॉल पर बात करके कॉल कट कर देता है। जियांग गुआओ से पूछती है, किसका कॉल था?
गुआव बताता है कि यू का कॉल था, वो मुझे कॉलेज में बास्केटबॉल खेलने के लिए बुला रहा था। जियांग को गुआव को रोकने का आइडिया आता है और केक बनाने का डिसाइड करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों किचन में होते हैं। जियांग केक बना रही होती है। गुआव जियांग को बोलता है, तुम कुछ भी करती हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में होता है। और जियांग से पूछता है, क्या तुम इतनी दूर यहाँ पर केक बनाने आई हो? जियांग बोलती है, जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो हमें इसे भी एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद माहौल रोमांटिक हो जाता है। गुआव जियांग का हाथ पकड़कर उसके करीब आकर उसकी केक बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद गुआव वापस जाने लगता है। जियांग गुआव को बोलती है, हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? गुआव जियांग से पूछता है, क्या तुम अभी तक थकी नहीं हो? जियांग बोलती है, थोड़ा सा। और गुआव से पूछती है, क्या हम यहीं कहीं रुक कर रेस्ट कर ले? हार कर गुआव जियांग से पूछ ही लेता है, आज तुम कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहती? जियांग फिर से बात पलटने की कोशिश करती है। गुआव बोलता है, मुझे सीधा सीधा जवाब दो, क्या चाहती हो तुम? जियांग गुआव को बताती है, मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन स्पेंड करना चाहती हूँ, और अगर मैं तुमसे पूछती तो तुम मुझे मना कर देती। गुआव जियांग को बोलता है, बिना पूछे तुम्हें कैसे पता कि मैं मना कर दूंगा? इसके बाद दोनों साथ में टाइम स्पेंड करके कॉलेज आते हैं। बाहर उन्हें लियू भी मिल जाती है। लियू गुआव को अकेले में चलकर बात करने को कहती है। लियू गुआव को बोलती है, मुझे पता है तुम जियांग को पसंद करते हो, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। और गुआव से पूछती है, क्या जियांग को पता है तुम उसे पसंद करते हो? गुआव ये सुनकर जियांग की तरफ देखता है। जियांग वहां से जाने लगती है, तभी वह टकरा कर गिर जाती है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। गुआव लियो से बात बीच में छोड़कर जियांग को गोद में उठा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बताता है कि ज्यादा चोट नहीं लगी। के बाद जियांग गुआव को परेशान होकर बोलती है, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? हॉस्टल वापस गई तो पनिशमेंट मिलेगी। गुआव जियांग को एक होटल ले जाता है। होटल का रूम देखकर जियांग सोचती है, आज हम दोनों अकेले हैं। गुआव जियांग को जाकर सोने को कहता है। जियांग बोलती है, क्या? गुआव जियांग से पूछता है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, या तुम मुझसे कुछ और चाहती हो? जियांग बोलती है, नहीं, मैं बस अपना फेस वॉश करना चाहती हूँ। गुआव जियांग से पूछता है, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊँ? जियांग बोलती है, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जियांग के दिमाग में ख्याल आता है, आज मैं ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। गुआव शावर लेकर बाहर आता है। जियांग को गुआव देखती ही रह जाती है। गुआव जियांग की तरफ आता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। और यही हमें फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया जाता है कि यह सिर्फ एक जियांग की इमेजिनेशन थी। दोनों रियलिटी में अलग अलग रूम में सोते हैं। इसके बाद गुआव जियांग को नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्टल छोड़ने आता है, तभी यू उन दोनों को देख लेता है। यू जियांग के टूटे पैर को देखकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? जियांग बताती है, कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। जियांग अंदर चली जाती है। गुआव को बोलता है, तुम्हारे पास चांस है जियांग को और इम्प्रेस करने का। उसे चोट लगी है, उसकी केयर करो। कौन सी लड़की है जो नहीं चाहती कि कोई लड़का उसकी केयर करे? गुआव कॉलेज में जियांग को गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ता है। जियांग गुआव को उसे नीचे उतारने को बोलती है। कॉलेज में सब देख रहे हैं। गुआव जियांग को बोलता है, अगर तुम थोड़ा सा भी हिली तो यहीं नीचे फेंक दूंगा। जियांग को शर्म आती है और अपना फेस बुक से छिपा लेती है। गुआव पर यू की बातों का इतना ज्यादा असर हो जाता है कि वह जियांग के खाने का भी ध्यान रखता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग गुआव के साथ लाइब्रेरी में होती है। गुआव जियांग के नोट्स मैनेज करता है। जियांग गुआव को बोलती है, मैं कर लूंगी, मेरी टांग टूटी है, हाथ नहीं। गुआव जियांग को बड़े प्यार से बोलता है, रहने दो, बस तुम यहाँ बैठो और मुझे देखो। दोपहर से शाम हो जाती है। जियांग गुआव को देखती देखती थक जाती है और सो जाती है। जियांग नींद से जागती है। गुआव भी जियांग का काम खत्म कर चुका होता है और जियांग से पूछता है, क्या तुम पिग हो, सिर्फ सोने और खाने का काम करती हो? इसके बाद जियांग अपने हॉस्टल रूम में होती है। जियांग का कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ है और सोचती है, गुआव मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा था, ध्यान भी रख रहा है, पक्का वो मुझे पसंद करता है, तो अभी तक उसने मुझे कन्फेस क्यों नहीं किया? जियांग को गुआव का मैसेज रिसीव होता है, कल हम दोनों साथ बाहर चलेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों कॉलेज के बाहर मिलते हैं। गुआव जियांग को कपड़ों की शॉपिंग साथ करने के लिए साथ चलने को कहता है। जियांग खुश हो जाती है और गुआव को बोलती है, मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ।
हुआ, जियांग को बोलता है तुम्हें अभी और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके बाद दोनों बस में ट्रैवल करते हैं। जियांग हैंडफोन लगाकर टीचर का लेक्चर सुन रही होती है। कुआओ बोलता है अच्छा तरीका है कहीं भी स्टडी करने का। जियांग बोलती है टीचर की आवाज बहुत अच्छी है इसलिए लेक्चर अच्छा लग रहा है। कुआओ भी जानकर जियांग के पास अपना कान लगाकर सुनता है और जियांग से पूछता है क्या मेरी आवाज अच्छी नहीं है इस टीचर से। जियांग शर्माने लग जाती है। कुआओ को नींद आ जाती है। जियांग के कंधे पर अपना सर रख लेता है। जियांग सोचती है ड्राइवर धीरे धीरे बस चलाए ताकि वो दोनों ऐसे ही कुछ टाइम और स्पेंड कर सके। इसके बाद दोनों स्टोर पहुंचते हैं। कुआओ दोनों के लिए कपल टी शर्ट खरीदता है। दोनों साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। जियांग कुआओ से पूछती है तुम मुझे आज अपने साथ क्यों लाए हो। कुआओ बोलता है तुम हमेशा इतने क्वेश्चन क्यों पूछती हो। जियांग बोलती है मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। जियांग की बात पूरी नहीं हो पाती तभी जियांग की स्कूल फ्रेंड वहाँ आ जाती है और जियांग और कुआओ को साथ देखकर बोलती है कुआओ तो सेम स्कूल में था ना हमारे साथ क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। कुआओ उसके फ्रेंड की बातों को सुनकर सोचता है शायद जियांग बोलेगी कि हम दोनों डेट कर रहे हैं पर जियांग बोलती है नहीं हम सिर्फ दोस्त हैं। जियांग ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि अभी तक उसे क्लियर नहीं है कि कुआओ उसे लाइक करता है या एज अ फ्रेंड समझता है। कुआओ जियांग की बात सुनकर तुरंत वहाँ से उठकर चला जाता है। कुआओ जियांग के पीछे पीछे जाती है और उससे पूछती है तुम अचानक से गुस्से में क्यों आ गए। कुआओ बोलता है हम बस फ्रेंड है ना तो अब से मुझसे डिस्टेंस मेंटेन रखना। जियांग बोलती है क्या बोल रहे हो तुम, तुमने पहले से ही हमारे बीच में दूरी रखी हुई है। और कुआओ पर भड़क जाती है वह जब भी तुम मेरे साथ अच्छे से रहते थे बाकियों से अलग ट्रीट करते थे मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो पर हर बार जब तुम फ्रेंड बोलकर मेरी इमोशन के साथ खेलते थे वो क्या था। लोग सही बोलते हैं तुम्हारे बारे में बस तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ और मैं आसानी से तुम्हारे एटीट्यूड से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तुम बस इसे एक थ्रिल समझकर एंजॉय कर रहे थे बस अपना चार्म मुझे शो करना चाहते थे। कुआओ जियांग से पूछता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। जियांग बोलती है अभी तक तो नहीं पर मैं आज मैं तुमसे जानना चाहती हूँ क्या तुम मुझे अपना बस एक फ्रेंड मानते हो। जियांग गुस्से में बोलता है हाँ बस हम फ्रेंड है। ये सुनकर जियांग कुआओ को बताती है मैं तुम्हें हाई स्कूल से पसंद करती थी मुझे रिग्रेट था मैंने तुम्हें स्कूल में अपनी फीलिंग क्यों नहीं कन्फेस की पर आज के दिन के बाद मुझे खुशी है अच्छा हुआ नहीं की और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यू पूरा दिन लियो को फॉलो करता है कभी उसके लिए स्नैक्स लेकर जाता है कभी कुछ। लियो यू की इस अटेंशन को एंजॉय करती है पर यू को दिखाती है कि वह उसे इग्नोर कर रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जियांग लियो और अपनी फ्रेंड के साथ कैंटीन में लंच करने के लिए बैठी होती है पर जियांग कुछ नहीं खाती। लास्ट नाइट कुआओ से झगड़ा करने के बाद काफी अपसेट होती है। जियांग की फ्रेंड उससे पूछती है खाना क्यों नहीं खा रही। जियांग बोलती है भूख नहीं है। फ्रेंड जियांग को बोलती है तुम कल रात को भी रो रही थी। जियांग बोलती है वो तो कोई इमोशनल ड्रामा देख रही थी इसलिए आंखों में आंसू आ गए और वहां से उठकर चली जाती है। लियो जियांग के इस अजीब बिहेव को नोटिस करती है। दूसरी तरफ गुआओ का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। गुआओ जियांग से बात करने उसके हॉस्टल के पास आता है लेकिन जियांग कुआओ को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। जियांग अपने हॉस्टल रूम में होती है दुख में रूम की लाइट भी ऑफ की होती है और कुआओ का कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट कर देती है। तभी लियो जियांग के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे और कुआओ के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। ये सुनकर जियांग लियो से पूछती है तुम्हें कैसे पता। लियो बताती है तुम्हारी हालत देख कर ऐसा लग रहा है अभी मर जाओगी पागल भी बता देगा। और जियांग से पूछती है क्या तुम इस बारे में मुझसे बात करना चाहती हो। जियांग बोलती है समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। तो जियांग को बोलती है कोई बात नहीं एटलीस्ट रो मत नहीं तो लोग सोचेंगे हमारे हॉस्टल की लेडी हिटलर है। लियो जियांग के मूड को ठीक करने के लिए उसे फोन में क्यूट इमेज दिखाती है। जियांग लियो को हग करती है। नेक्स्ट डे लियो कुआओ के पास जाकर बात करती है और उसे बोलती है तुम्हारी वजह से जियांग टॉर्चर फील कर रही है तुम्हें उसके लिए सॉरी होना चाहिए। अगर तुम जियांग को पसंद करते हो तो उसे डायरेक्टली कन्फेस क्यों नहीं करते उसके साथ गेसिंग गेम क्यों खेल रहे हो। गुआओ एक शब्द नहीं बोलता
लियू ग्वाओ के चुप्पे को देखकर बोलती है, पहले मुझे लगा तुम मेरे टाइप के हो, पर अब मुझे क्लियर हो गया है तुम मेरे टाइप के नहीं हो। इवन तुम तो उस पर्सन के भी केयर नहीं कर सकते जिससे तुम प्यार करते हो। और ग्वाओ को समझाती है, जियांग भोली है लेकिन तुम उसे ऐसे सेट नहीं करना चाहिए। जो भी तुम कर रहे हो उसके बारे में ध्यान से सोचो। ये सुनकर ग्वाओ जियांग के पास लाइब्रेरी में जाता है। ग्वाओ नोटिस करता है जियांग के स्टमक में पेन हो रहा है, उसने शायद कुछ नहीं खाया। ग्वाओ जियांग से पूछता है क्या हुआ, जियांग कुछ नहीं बताती। ग्वाओ जियांग को बोलता है मेरा यही इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। फटाफट कैंटीन जाता है और जियांग के लिए खाना लाता है और मैसेज करके जियांग को बाहर बुलाता है। जियांग ग्वाओ के पास आती है, ग्वाओ जियांग को खाना खिलाने की कोशिश करता है लेकिन जियांग मना कर देती है और ग्वाओ को बोलती है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब करके मुझे और कंफ्यूज मत करो, ये चीजें मुझे दुखी करती हैं क्योंकि फिर से मैं तुमसे कोई होप नहीं रखना चाहती, मुझे जाने दो। ग्वाओ जियांग को बोलता है अब से हम दोस्त नहीं है। जियांग पूरी बात सुने बिना ही गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ यू लियू के हॉस्टल के बाहर फूलों से जमीन पर दिल बनाकर और हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए लियू को प्रपोज करता है। लियू यू को बोलती है बंद करो ये, मुझे शर्मिंदा मत करो, हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। यू बोलता है मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, मैं जानता हूँ तुम अच्छी हो और मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा। लियू यू को बोलती है मुझे बेबी सीटर नहीं चाहिए जो हर वक्त मुझे खिलाए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो हर चीज में बेस्ट हो। लियू की बातों से यू का दिल ही टूट जाता है और यह सुनकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सियांग और ग्वाओ का भी यही हाल होता है, रातों को नींद नहीं आती, एक दूसरे के गम में डूबे होते हैं। ग्वाओ के हालात इतने खराब होते हैं कि वो देवदास बन जाता है और यू भी उसे कंपनी दे रहा होता है। लियू को कॉलेज में हर जगह यू की कमी महसूस होती है और एहसास होता है यू उसे कितना चाहता था। जियांग भी पूरा दिन ग्वाओ को मिस करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग टेरिस पर आती है, ग्वाओ ने पूरा टेरिस सजाया होता है जियांग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ग्वाओ केक लेकर आता है, ग्वाओ जियांग को बर्थडे विश करता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपनी फीलिंग जियांग को कन्फेस करता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन जियांग बोलती है मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, अब मुझे डर लगता है कहीं तुम फिर से मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो, मैंने हाई स्कूल में सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए पढ़ाई पर ध्यान दिया, बाकी बच्चे मुझ पर हंसते थे पर कभी मैंने उनकी परवाह नहीं की, मुझे लगा ऐसा करने से अगर तुम मुझे मिल सकते हो तो यह सब कोई मायने नहीं रखता, पर हमेशा फिर भी तुम जस्ट फ्रेंड का टैग लगा देते हो। ग्वाओ जियांग का हाथ पकड़ता है और सॉरी बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं लास्ट टाइम से तुमसे कहना चाहता था कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं, यानी मैं तुम्हें कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ग्वाओ जियांग से डायरेक्टली पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जियांग रोते हुए पूछती है क्या तुम सीरियस हो। ग्वाओ बताता है मैं भी तुम्हें हाई स्कूल से ही पसंद करता था लेकिन कभी कह ही नहीं पाया, हिम्मत नहीं हुई, टीचर और क्लासमेट क्या सोचेंगे बस यही सोचता था, और जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम कॉलेज में देखा तो वो मेरा सबसे अच्छा दिन था क्योंकि मैं दोबारा तुमसे मिल पाया। इवन मेरे पास तो इतना भी करिश नहीं था कि मैं तुमसे प्रोम नाइट के लिए पूछूं, वो भी तुमने ही मुझसे पूछा। तुम्हारा साथ बिताया हर पल मेरे लिए कीमती है, हमेशा तुमने पहला कदम बढ़ाया। जियांग ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और जोर से रोने लग जाती है। ग्वाओ जियांग के आंसू पूछता है और उसे कहता है आज का दिन बर्थडे कल का है, रोना नहीं चाहिए, और जियांग को बर्थडे प्रेजेंट में उसका फर्स्ट किस देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वाओ और जियांग लियू को गुड बाय बोल रही हैं। लियू कॉलेज की तरफ से बाकी स्टडी करने अब्रॉड जा रही है। जियांग लियू को जाता देख कर अपसेट हो जाती है और उसे जाने से मना करती है। ग्वाओ जियांग से बोलता है अगर तुम भी जाना चाहती हो तो अगले सेमेस्टर में हम दोनों भी चलेंगे। लियू बोलती है आप दोनों कपल बस भी करो, और लियू बस में चढ़ जाती है। तभी यू वहां आकर बस रोकता है और बस में चढ़ जाता है। लियू यू से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू बताता है मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, मैंने एग्जाम दिया और टेस्ट पास कर लिया,
तो अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। दोनों चले जाते हैं। यू का मानना है प्यार सिर्फ एक दूसरे को लेकर सीरियस होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए सुटेबल होना है। लियू के अकॉर्डिंग प्यार एक आदत है। अगर लंबे समय तक कोई इंसान आपके साथ हो और वो अचानक से गायब हो जाए तो आपको एहसास होगा कि वो आपका प्यार है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुआ जियांग से माफी मांगता है अपने प्यार को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उसे लगा बिना कहे जियांग समझ जाएगी। जियांग बोलती है सब कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। लाइफ में लव और स्टडी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों के लिए ही हार्डवर्क की जरूरत होती है। और यही हमारी कहानी का डी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांग है, बाय बाय।